आफ्टरनून माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और भाई आज है रक्षाबंधन। जी हाँ, आज है रक्षाबंधन, आज है बहनों का त्यौहार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको विश करना चाहूँगा भाई हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय लवली सिस्टर्स। अभी नहीं है बट जो मेरे पीछे हर साथ खड़ी रहती है, हर बार खड़ी रहती है, हर सपोर्ट पे वो मेरे साथ खड़ी रहती है, तो उनको भी भाई हैप्पी रक्षाबंधन मेरी प्यारी प्यारी बहनों दीदियों सबको। तो भाई आज है रक्षाबंधन, तो अभी चल रहे हैं ऊपर। मैं भी अपनी बस दीदी से राखी वाखी बंधवाता हूँ, फिर अपन थोड़ी सी करेंगे आज राइड। बाकी आज भरतपुर में सारा कुछ बंद है। मैंने एक्चुअली अभी टील एंड कैफे पे फ़ोन किया था, मैंने भैया आज आ रहे हो क्या, तो धीरज भैया ने मना कर दिया कि यार आज मैं नहीं आ रहा हूँ। और सुबह से अभी एक हो चुका है कांड, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या कांड हुआ था कल रात से। हम क्या चीज़ ढूंढ रहे थे जो हमें नहीं मिल रही है, अभी वो जाके मिली, और कैसे कैसे मिली है वो मैं बता सकता हूँ, बट कोई नहीं। चलो अभी चलते हैं ऊपर, पहले राखी वाखी बनवाते हैं अपनी बहन से, लेट्स गो। और आप भी सब राखी बनवा ही चुके होंगे इस टाइम तक, तो अभी एक बज चुका है, बट कोई नहीं, अभी अपना लेट हो चुका है राखी वाखी का, बट अभी चल रहे हैं अपनी बहन के पास, राखी बनवाते हैं। और मेरी है ना ये फर्स्ट रक्षाबंधन है। अब आप सोचोगे कैसे फर्स्ट रक्षाबंधन है। जी मेरी भांजी भी मेरे को राखी बांधने वाली है, वो पिछली राखी पे वो बॉर्न हुई थी 3rd of August, मेरे बर्थडे वाले दिन, उसका ही बर्थडे 3rd of August का है। आज दूसरी राखी है तो उसकी इस हिसाब से पहली राखी हुई, तो वो मेरे को भी आज राखी बांधने वाली है। तो ये मेरी फर्स्ट राखी है मेरी भांजी की तरफ से, मेरी जान के कलेजे के टुकड़े की तरफ से। तो चलो चलते हैं ऊपर, बातें शातें करेंगे कुछ, और वहीं राखी बनवाते हैं अपनी बहन से, लेट्स गो। ये हमारी प्यारी सी बहना, और ये लेके आई है राखी। अब हो चुका है भाई राखी टाइम। राखियाँ ऐसी ऐसी लेके आई है भाई मेरी बहन, बाइकर्स। और निकल की क्या है? पबजी। इसके लिए लेके आई है भाई पबजी वाली राखी, क्योंकि ये ज़्यादा खेलता है पबजी। नहीं बस अपने बालों को लेके नवरता सवरता रहेगा ये, देखो। तो फाइनली अभी राखी बंधवा के हो चुका हूँ फ्री। अब मैं आपको शेयर करता हूँ कि कल अपने साथ क्या हुआ था भाई। कल उड़ा पड़ा ये कि अपन पूरे भरतपुर में घूमते रहे, पावर पेट्रोल मिला ही नहीं, अपने भूसा का खाना ही नहीं मिला, बेचारी को डाइट फॉलो करनी पड़ रही है भाई। तो आज अपन ने कल रात को काफ़ी फ़ोन किए चारों तरफ कि भाई कहीं पेट्रोल मिल जाए, कहीं पेट्रोल मिल जाए, बट नहीं मिला। आखिरकार आज सुबह मैं, आयुष, अंकित और गए यूपी अचनेरा। यहाँ से करीबन था 40 किलोमीटर, 40 आना और 40 जाना, लाइक अराउंड 80 किलोमीटर पूरा पड़ा हमें। वहाँ से सुबह जाके पेट्रोल लेके आए, फिर अभी बस प्रोसेस कर रहे हैं डालने का। भाई कब आएगा पावर पेट्रोल राजस्थान में, जल्दी से जल्दी करो प्लीज़। कब यूपी की साइड कब कब जाते रहेंगे हम पेट्रोल डलवाने के लिए। तो कैसे हो भाई लोगों, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यार कल जिस पर्पज़ से व्लॉग बनाया था कि मेरी फर्स्ट राखी है, वो मैडम ही सो गई थी मेरी, जो मेरी भांजी है वो सो चुकी थी जब तक राखी का टाइम हुआ था, तो उसको मैं इस व्लॉग में नहीं दिखा पाया, उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। बट कल राखी के लेके ना बहुत मज़ा आया कल, मतलब सारा कुछ बहुत अच्छा था। मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे घर पर, और कल फिर मैं आगरा भी निकल गया था अपने मामा जी के यहाँ पर, तो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया था। अभी सुबह मैं वापस आया हूँ, तो सोचा मैंने पहले व्लॉग एंड करते हैं, उसके बाद व्लॉग एडिट करके आज ही डालना है, तो ये व्लॉग मैं आज ही डाल दूँगा जी कैसे भी करके। तो एक मैंने नई चीज़ ली है, वो आ तो मेरे पास बहुत पहले गई थी, अनबॉक्सिंग अब करेंगे, तो अनबॉक्सिंग भी इस व्लॉग में नहीं, बस इसके बाद जस्ट नया व्लॉग स्टार्ट करूँगा, वो आपको मिलेगा परसों। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं वो वाला, और उसमें कुछ अनबॉक्सिंग दिखाते हैं आपको, और आज आपको कहीं ना कहीं लेके चलेंगे हायाबूसा पर। आई एम डैम श्योर कि आज अपन आपको हायाबूसा पर लेके चलेंगे, आई मीन आज नहीं कल वाले व्लॉग में जो होगा।
तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें कुछ काम भी करवाना पड़ेगा बैग में, वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। तो ये वाला आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बताना। होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, और जो भी इस चैनल पर नया है ना भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट से ही धीरे धीरे मैं चल पाऊँगा। तो चलो जी, तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।